Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं class 9th के first chapter के बारे में जिसका नाम है The Road Not Taken, जिसे लिखा है Robert Frost ने. जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आप किसी chapter को समझने की बारे किसी चैप्टर को समझने जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कभी किसी भी चैप्टर को अगर हमें समझना हो तो सबसे बेसिक चीजें जो सबसे खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए वो है सबसे पहले उसके पोएट या उसके राइटर के बारे में, दूसरी चीजें हैं उसका एक्सप्लेनेशन, और तीसरा है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. बट उसके पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज 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 अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारे चैनल के ताज़ा ताज़ा अपडेट्स मिलते रहे. चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन आपको हमारे चैनल के राइट साइड में मिल जाएगा. चलिए बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा लवेबल पोएट है, और इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी काफी ज्यादा फेमस थे. मीन्स वॉट, उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और उनकी बहुत ही फेमस लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये actually ये कुछ ऐसी line है जो अपनी table पे वो अपनी आंखों के सामने रखा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. So ये रही कुछ overview Robert Frost के बारे में, जिनका जन्म 26th of March 1874 को San Francisco, California में हुआ था, और जिनकी death 29th January 1963 को बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, और ये अमेरिकन पोएट थे. तो इस ओवरऑल व्यू के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानने के बाद हमने ये जान लिया पोएट के बारे में. बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में. इसमें ओवरऑल हमारे पास चार स्ट्रेंजर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ. ओके, इस ओवरऑल फोर स्ट्रेंजर को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, इसकी पोएटिक डिवाइसेस को उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि A, B, A, A and B. So friends, इस पॉइंट की जो रैमिंग स्कीम है वो क्या है, A, B, A, A, B. ये पूरी पॉइंट की रैमिंग स्कीम है. अच्छा, चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेंजर के बारे में. Two roads diverged in yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So writer यहाँ पे ये कह रहा है कि writer अब एक सड़क से गुजर रहा है, और सड़क से गुजरने के बाद आप देख सकते हो सड़क से गुजर रहा है, और वहां से जाते जाते वहां पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं, और वो अब डाउट में है कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, और वो इस डाउट में है क्योंकि वह दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता. सो वो क्या कह रहा है, एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां पर काफी देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं वहां पर खड़े होकर काफी देर तक देखता रहा, क्या, टू वेयर इट बेंट अंडर ग्रोथ, कि ये जो रास्ता है, ये जो प्लान्स है वो एक्चुअली हमारे रास्ते में कहां तक जा रहे हैं. सो यहां पे कुछ बहुत सारे हैं कि वो कहां पे जा रहे हैं और हमें आगे कहां ले जा सकते हैं. सेकंड स्ट्रेंजर बात करते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, इसके बाद वो कहता है कि मैं अपने लिए चूज करता हूं एक दूसरा रास्ता, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीम, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है. क्यों बेस्ट हो सकता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनयूज्ड है और बहुत से लोगों ने इसे नहीं चुना है. सो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम,
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन रास्तों को चूज करना चाहिए जहां पर मैं आगे बढ़कर कुछ अच्छी चीजें अचीव कर सकूं, क्योंकि हमारी लाइफ में ओवरऑल यही एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अगर हम कुछ अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि आगे चल के हमें उनसे एडवांटेज डिसएडवांटेज बेनिफिट लॉस ये सारी चीजें मिलती हैं कि नहीं। सो थर्ड स्टेंजा में वो कह रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लीव्स नो स्टेप एंड टोटल ग्लेड, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एंड येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। सो वो क्या कह रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, अगली सुबह क्या हो रहा है कि दोनों क्या है इक्वली लेट, एक समान है, बराबर है। इन लीव्स हैड टूड इट्स इन द इन लीव्स नो स्टेप हैड टूड इन ब्लैक। सो उन दो रास्तों में से क्या कह रहे हैं, एक जो है ऑटमन का मौसम है, पतझड़ का मौसम है, सो जो लीव्स फॉल डाउन हुई हैं वो क्या है, नो टूड इन ब्लैक, उन्हें किसी पर्सन के द्वारा कुचला नहीं गया है, ठीक है। सो आई केयर फर्स्ट फॉर द एंडर डे, और यहाँ पे वो एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं कि ये जो दो रास्ते हैं इनमें से फर्स्ट और सेकंड, तो मैं फर्स्ट को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद जो सेकंड है मतलब एक और जो रास्ता है उसे मैं किसी और दिन चूज करूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। सो वो ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये रास्ता मुझे और आगे कहाँ तक लेके जाएगा, लेकिन मैं अब इसी रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ और अब मुझे ये भी संदेह है कि क्या मैं कभी वापस इस रास्ते पर आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग विद दिस अ साय, मैं ये आहे भरते हुए दुख से कह रहा हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस सिंस, कुछ सालों बाद इस वक्त कुछ समय बाद, टू रूट्स डाइवर्ज इन यू इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वो यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस रास्ते को बहुत ही कम लोगों ने चूज किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो एक्चुअली कुछ इसी तरीके से हैं कि मैंने उन रास्तों को चूज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने चूज किया था। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो उन्हीं डिसीजंस से आपका आने वाला कल बनता है। वो डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, वो कभी अच्छे कभी बुरे, कभी सही कभी गलत साबित होते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सो फ्रेंड्स, ये रही पूरी ओवरऑल समरी आपके चैप्टर द रोड नॉट टेकन जिसे लिखा है रॉबर्ट फॉस ने। अगर आपका कोई भी कमेंट हो या कुछ आप इस चैप्टर के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं वहां आपके मैसेज के पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।